press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू HVAC सिंप्लीफाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वेंटिलेशन फॉर एक्सेप्टेबल एयर क्वांटिटी पार्ट 4, एग्जॉस्ट एयर कैलकुलेशन एज पर ASHRAE 62.1। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ASHRAE 62.1 के अनुसार एग्जॉस्ट एयर कैलकुलेशन के रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टेबल 6.5 मिनिमम एग्जॉस्ट रेट एज पर ASHRAE 62.1 क्या होते हैं। ASHRAE 62.1 फॉर एन ऑक्यूपेंसी कैटेगरी एज पर टेबल 6.5 मिनिमम एग्जॉस्ट रेट कैन बी कैलकुलेटेड एज पर CFM पर यूनिट एंड CFM पर स्क्वायर फीट। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल 6.5 ASHRAE 62.1 के अनुसार आप एग्जॉस्ट रेट CFM पर यूनिट और CFM पर स्क्वायर फीट के अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, मैं कुछ एग्जांपल के द्वारा आपको बताता हूँ। पहले देखते हैं, वन ऑफ द टू पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू नो द एग्जॉस्ट एयर वेंटिलेशन रेट एज पर ASHRAE 62.1 टेबल 6.1। जी हाँ, किसी भी टू पैरामीटर्स में से कोई एक पैरामीटर आप यूज़ करके एग्जॉस्ट एयर कैलकुलेट कर सकते हैं एज पर ASHRAE। पहला रिक्वायरमेंट है CFM पर यूनिट, जिसे आप लीटर पर सेकंड पर यूनिट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेकंड रिक्वायरमेंट है CFM पर स्क्वायर फीट, जो कि लीटर पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर में भी किया जाता है। ये है ASHRAE मिनिमम एग्जॉस्ट रेट टेबल 6.5 ASHRAE 62.1 के अनुसार। यहाँ पर आप देख सकते हैं ASHRAE ने कुछ वैल्यूज दी गई है, कुछ ऑक्यूपेंसी कैटेगरीज यहाँ पर डिफाइन की गई है, और यहाँ पर उनके एग्जॉस्ट रेट पर CFM पर यूनिट और एग्जॉस्ट रेट पर CFM पर स्क्वायर फीट यहाँ पर डिटरमाइन किया गया है। चलिए अब एक एग्जांपल के द्वारा हम यहाँ पर देखते हैं कि ये किस प्रकार से किया जाता है। द एग्जॉस्ट एयर फ्लो रिक्वायर्ड इन अ स्पेस शैल बी नॉट लेस देन द वैल्यू डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद टेबल 6.5 रिक्वायरमेंट। जी हाँ, तो एग्जॉस्ट रेट CFM पर यूनिट के अनुसार अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्राइवेट टॉयलेट का एग्जांपल लिया गया है, पब्लिक टॉयलेट का मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। उसकी रिक्वायरमेंट एज पर ASHRAE 62.1 है 50 to 70 CFM पर यूनिट। जी हाँ, CFM पर यूनिट 50 to 70 CFM पर यूनिट। अब ये यूनिट क्या होता है मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक टॉयलेट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, टॉयलेट में जो फिक्चर्स होते हैं टॉयलेट के, उसे एक यूनिट कहा जाता है, इसे यूनिट फिक्चर। उस अनुसार अगर आप देखते हैं, तो हम यहाँ पर चार यूनिट का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे हो गए हैं चार यूनिट। देयरफॉर पब्लिक टॉयलेट इज इक्वल टू 50 CFM पर यूनिट। मैंने यहाँ पर 50 CFM का एग्जाम्पल लिया हुआ है। सो 50 CFM पर 4 यूनिट्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा स्ट्रेट अवे आंसर होता है 200 CFM। जी हाँ, 200 CFM की हमारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। द टोटल एग्जॉस्ट एयर रिक्वायर्ड फॉर ए टॉयलेट रूम इज़ 200 CFM। जी हाँ, अगर आप CFM पर यूनिट टॉयलेट एग्जॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो आप इसे डायरेक्टली CFM पर यूनिट के हिसाब से कर सकते हैं और उसकी वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। आइए अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं यहाँ पर, जो कि होता है CFM पर स्क्वायर फीट। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे एक बार्बर शॉप का, जहाँ पर हम उसका एरिया डिफाइन करेंगे, लेंथ एंड विड्थ जो कि होती है एक, यहाँ पर मैंने साधारण से एग्जांपल लिया है 30 by 30 feet। और अगर आप देखते हैं बार्बर शॉप की रिक्वायरमेंट है 0.5 CFM पर स्क्वायर फीट। जी हाँ, एक बार्बर शॉप के लिए ASHRAE 62.1 ने टेबल 6.5 मिनिमम एग्जॉस्ट रेट पर रिक्वायरमेंट दी है 0.5 CFM पर स्क्वायर फीट। तो उस अनुसार अगर आप देखते हैं, तो हमारा बार्बर शॉप का एरिया होता है 900 स्क्वायर फीट। और अगर आप 900 मल्टीप्लाई बाई 0.5 CFM करते हैं, तो आपका डिराइव्ड CFM एग्जॉस्ट एयर फ्लो रिक्वायरमेंट होता है 450 CFM। जी हाँ,
बार्बर शॉप के लिए इस फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करते हैं तो ऐशरे के अनुसार आपकी जो रिक्वायर्ड एग्जॉस्ट एयर फ्लो रेट होती है जिसे आपको एग्जॉस्ट करना होता है बार्बर शॉप से, वो होता है 450 CFM. Therefore, द टोटल एग्जॉस्ट एयर रिक्वायर्ड फॉर ए बार्बर शॉप इज़ 450 CFM. जी हाँ, इसी द्वारा आप किसी भी दोनों एग्जाम्पल डिपेंडिंग ऑन योर स्पेस एंड डिपेंडिंग ऑन योर HVAC कैलकुलेशन अनुसार आप इसे रिक्वायर्ड तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग HVAC सिंप्लीफाइड.